Halo students, ya history, last time ke history का, chapter second का, इसका नाम national India है, class second part है, इस part में पढ़ने वाले हैं, non-commercial movement जो अपने अभी first part में पढ़ा है, इसमें शामिल होने के बाद से लोगों ने क्या क्या किया, और कहाँ जाने लोग शामिल हुए इसमें, सबसे पहले इसमें जो topic है वो है different states के अंदर movement में अलग-अलग जगहों के लोग उसी मूवमेंट में शामिल हुए, इनका उद्देश्य अलग अलग था। जो पहला जो मूवमेंट है वो है मूवमेंट की टाउन, ठीक है, मूवमेंट की टाउन है, यानी शहरों में लोगों ने, शहरों में जो लोग थे मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके मूवमेंट की शुरुआत की। उसमें जो टीचर्स थे, लॉयर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो स्कूल्स थे या कॉलेज थे, जो कोर्स थे इसमें वकील काम कर रहे थे, सब लोगों ने अपनी पेटिशन छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स स्कूल जाना छोड़ दिया, सब लोगों ने मूवमेंट का विरोध, उस मूवमेंट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ब्रिटिश हुकूमत का खिलाफत किया, उसको उसका विरोध करके खड़े हुए, है ना। इस तरह से मिडिल क्लास के लोगों को पार्टिसिपेशन के साथ ये मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। एक तरफ जहाँ पर मद्रास में एक अलग समस्या थी, वहाँ पे जस्टिस पार्टी थी, जस्टिस पार्टी में नॉन ब्राह्मण थे, नॉन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों को छोड़ के जो दूसरे कास्ट के लोग थे उनका ये मानना था कि ब्राह्मण को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, ठीक ना, उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो अगर वो कौन से रस्ते में भाग लेते हैं तो उन्हें भी कुछ अधिकार मिलेंगे जो स्पेशल ब्राह्मण को मिला हुआ है। इस हिसाब से उन्होंने अलग से मूवमेंट में शामिल हुए, उनका मूवमेंट अलग है। इसमें फिर मर्चेंट्स का पार्टिसिपेशन शुरू होता है, जो मर्चेंट्स थे, व्यापार थे, व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, वो लोग शामिल हुए उसमें। उन लोगों ने जो विदेशी सामान खरीदते थे, बेचते थे, उन्होंने सामान खरीदना बेचना मना कर दिया, है ना। बाहर से जो सामान विदेशी सामान जो लोग खरीद के इसका व्यापार करते थे उसको खरीदना बेचना बिल्कुल मना कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि जो बाहर से 102 करोड़ का जो इम्पोर्ट होता था इंडिया में, हमारा 97 करोड़ हो गया, है ना। वो 102 करोड़ का जो व्यापार होता था इंडिया से वो घटके 57 करोड़ हो गया, 57 करोड़ हो गया, यानी कम हो गया, आधा हो गया, ठीक ना। उसके बाद से और भी जगहों पे लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो सब लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया। देखिए कंडीशन ऐसा भी था कि जहाँ पर शहर में सब लोगों ने जॉब छोड़ दिया, और इधर व्यापारी ने व्यापार करना शुरू किया दूसरे कपड़ों का, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुआ। और एक और बात थी इसमें कि अभी जैसे कपड़े पहने नहीं है, देसी कपड़ों का यूज नहीं कर रहा है, और यहाँ की जो खादी कपड़ा था, खादी पर लोगों ने ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया, ज्यादा एम्फसाइज करना शुरू कर दिया कि खादी कपड़ा ही पहनना है क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रतीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि खादी बहुत महंगा था, ये गरीब लोगों के अफोर्ड करने के वस्तु, मतलब गरीब लोग उसको पहन नहीं सकते थे, गरीब लोगों की वस्तु बात नहीं थी, यूज कर रहा है। अच्छी लोगों ने जॉब छोड़ा था, जॉब छोड़ने के बाद फिर वो दूसरे को जॉब मतलब मिल नहीं पाता था, मिल नहीं सकता था, ठीक ना। फिर वो करते क्या, फिर खूब गिर करके लाते हैं, उन्होंने अपने पुराने स्प्रीमेंट कंडीशन में आ गए, यानी जिन्होंने जॉब छोड़ा था उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया, जिन्होंने कपड़ों को छोड़ा था क्योंकि खादी महंगा कपड़ा था, मिल से बने हुए कपड़ों की तुलना में खादी महंगा होता था, गरीब लोग पा नहीं सकते थे, फिर वहाँ पर राष्ट्रवाद की बात नहीं आ सकती थी, राष्ट्रवाद को पीछे छोड़ते हुए लोगों ने फिर से खादी कपड़ा को किनारे हटाते हुए लोगों ने विदेशी कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जॉब छोड़ा था उस जॉब को भी स्वीकार कर दिया, ठीक ना। इस तरह से घटनाएं होती रही। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिबरल इन द कंट्रीसाइड, बिहार में, यहाँ कंट्रीसाइड मतलब बिहार जो था, तो बिहार में लिबरल बिजनेस शुरू किया, शहरों में इस तरह से जो शहरों में जो लिबरल हुआ मिडिल क्लास का शुरू किया, वैसे ही लिबरल इन कंट्रीसाइड बिहार में मूवमेंट शुरू करने वाले जो लोग थे वो अलग अलग लोग थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बिहार में, वो है बाबा रामचंद्र ने जो यहाँ पर मूवमेंट शुरू किया था, ठीक ना, बिहार में शुरू किया। बिहार में भी अलग समस्या थी, बिहार में क्या समस्या थी कि वहाँ के जो जमींदार लोग थे, जो बड़े लोग थे वो इंडियंस होने के बावजूद भी वो यहाँ के लोगों को शासन, यहाँ के लोगों को अपने शासन करने के रखे हुए थे, यहाँ के लोगों को जन्म करते थे, ठीक है ना। तो बाबा रामचंद्र की अगुवाई में, बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में, बाबा रामचंद्र कौन थे, एक इंडिजिनियर लेबर थे फिजी में, ठीक ना। लेकिन उन्होंने यहाँ पर मूवमेंट शुरू किया, अवध में मूवमेंट शुरू किया, और अवध में मूवमेंट शुरू करने के बाद से उनके साथ बहुत से लोग शामिल हुए, ठीक ना।
बहुत सारे हुए, उनका ये मानना था कि जो जो गरीब लोग बेकारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसानों को गरीब लोगों को बेकारी करना होता था, फ्री में लैंडलॉर्ड्स को सर्विस देना होता था या बड़े बड़े तालुकदार को सर्विस देना होता था। तो बाबा रामदेव का जो मूवमेंट था वो स्पेशली तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो गरीबों से बेकारी करवाते थे, पैसे नहीं देते थे उनको। बेकारी का मतलब क्या होता है, काम करा के पैसे नहीं देना, ठीक है ना, उनके खिलाफ था। बाद में जितने भी धोबी थे, बंद थे, जो भी जो लैंडलॉर्ड्स संबंधित थे, जो लैंडलॉर्ड का सेवा करते थे, उनको भी मना कर दिया गया कि वो किसी भी तरह से लैंडलॉर्ड्स या जो बड़े बड़े लोग हैं समाज के जो हम पे शासन करते हैं उनकी सेवा न की जाए, उनका सर्विस को छोड़ दिया जाए ताकि वो भी कम लोग हो जाए और भी हमारे भक्तों को समझने लगे, ठीक है ना। और फिर हमारे देश में राम राज्य गांधी का शासन हो और फिर विश्वसाया हो, ठीक है ना। इधर 1920 में बात करते हैं और बाबा रामचंद्र पूरे अवध में उन्होंने एक अवध विधानसभा का निर्माण किया। बाद में एक साल के भीतर ही लगभग 300 ब्रांचेज बन गए उसके, ठीक है, 300 ब्रांचेज बन गए। और उसके बाद सभी दोनों रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू पूरे अवध के और फिर गांव गांव घूम घूम कर लोगों की समस्याएं जानना शुरू कर जानने का प्रयास किया, लोगों की समस्याएं दूर करने का प्रयास किया। इस तरह से मूवमेंट को शुरू किया गया। इधर बाद में गांधी जी के नाम से गांधी के नाम से हो रहा था, ठीक है ना, जितने भी चूंकि जो नर्म अपशन मूवमेंट था गांधी जी के नाम से हो रहा था। इधर जो किसान थे, जो गरीब मजदूर थे, जब उनको लगा कि हम गांधी जी हम लोगों के साथ में है, उन्होंने तालुकदार को घर पर हमला किया, लैंडर्स के घर पर हमला किया, उनको मारा पीटा, उनका जो सामान था वो छीन लिया, ठीक है ना। इस तरह से गांधी जी ने लोगों को भगाया, उनको चढ़ाया और मूवमेंट को अंजाम दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवेलर इन फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि टॉपिक नहीं किया हुआ इसका, लेकिन 2.2 के ही बात का ही बात है। फॉरेस्ट में आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में एक और ही बोले रिवेलर हुआ, ठीक है ना, जैसे डांस में हुआ था, जैसे देहात में हुआ, वैसे ही फॉरेस्ट में भी कुछ लोगों की समस्याएं थी। कुछ लोगों तो कौन से लोग थे, वो ट्राइबल लोग थे, मतलब ट्राइबल होते इसे आदिवासी कहा जाता है हिंदी में। तो ट्राइबल की समस्या क्या थी, वहाँ पर वुडन हिल्स, आंध्र प्रदेश में वुडन हिल्स था, वुडन हिल्स क्या पढ़ेंगे आपको समझ में आया। वुडन हिल्स की जो हिल्स थे, जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ जो जंगल्स थे, उन जंगल्स को ब्रिटिश वालों ने कैप्चर कर लिया था, ले लिया था, उसे रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। आप नाइन तो पढ़े होंगे, और रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का मतलब क्या हो गया, उसमें किसी भी तरह के बाहरी लोग चाहे इंडियंस लोगों का जो उसमें जाना था वो बैन हो गया, जाना मना हो गया। अब जो किसानों का सॉरी जो ट्राइबल लोगों का जो परंपरागत अधिकार था, जो ट्रेडिशनल राइट्स थे, उसमें एंटर करने के लिए उनपे पूरी निर्भरता थी जंगलों पर, जंगलों से सारा कपड़े लेना, उसमें से चीजों का फल इकट्ठा करना, जानवरों को मार के खाना, जंगलों में जो नदियाँ थी, तालाब थे, उसमें मछली पकड़ के खाना, वो सारे अधिकार उनमें खत्म हो गए। अब वो फिर करते क्या, तो वहाँ भी इंफ्लुएंस हो गया, वहाँ पर आंध्र प्रदेश में वहाँ के लोग ट्राइबल्स थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, गुरिल्ला मूवमेंट चलाया लोगों ने। आपने गुरिल्ला मूवमेंट का नाम नहीं सुना होगा, बता रहा हूँ, गुरिल्ला मूवमेंट ट्राइबल लोगों द्वारा किया गया एक मूवमेंट होता था। इसमें चूंकि वो जंगल में रहते थे और जंगल में उनको अच्छा अच्छा संभव होता था, तो जंगल में किसी भी तरह से गलत तरीके से गलत ट्रिक से वो बाहर के लोगों को जिनके साथ उनका नहीं होता था उनको बुलाकर और जंगल में उनको मारते थे, क्योंकि जंगल में विशेष बाहर के लोगों का कोई अनोखा नहीं, जंगल में कौन कहाँ रहता है और उन ट्राइबलों को पूरा पता होता था। इसलिए उस तरह से ब्रिटिश वालों का हमला किया लोगों ने, आंध्र प्रदेश के लोगों ने, सॉरी ट्राइबल लोगों ने, और उनको मारा। उसी में काम आता है एक विशेष लीडर का, जिसका नाम था अलोरी सीताराम राजू, नाम याद कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के ब्रिटिश में अलोरी सीताराम राजू का नाम आता है, अलोरी सीताराम राजू जो एक लीडर थे, ठीक है। और इनके बाद से जब ये मतलब इन्होंने देखा कि मतलब जो लोग अधिकार थे उनके लोगों का चाहे अधिकार खत्म होते गया है, तो इन्होंने मूवमेंट किया। ऐसा मानना था कि क्योंकि गांधी जी से थे, ठीक है ना, गांधी जी डिसाइपल होने की वजह से गांधी जी के कदम पे, गांधी जी के जो स्टेप्स थे उस पर वो चलते थे, और लोगों को उसकी ट्रैवल थे, इसके बावजूद भी ये अपने ट्रैवल पेपर से पीपल को फोर्स करते थे कि ये शराब न पिए और लिक्विड न पिए, कुछ भी ऐसा मतलब न करे, कोई गलत काम न करे, और मूवमेंट को समझे गांधी जी का क्या मानते थे। ऐसा लोगों का मानना था कि ये भगवान को अवतार है, इन्हें गोली लगने पर भी नहीं मरेंगे, अच्छी पसवाने भी करते थे, ठीक है ना।
तो इसके लिए ये मतलब अपना था और उन्होंने भी आगमन किया अपने लोगों के लिए। हमने जो किया पढ़ाई किया बस लड़ाई में क्योंकि बहुत दिन तक कई बार कोई स्मारक हमला किया इन्होंने अपने सैनिकों के साथ जो उसको बनाए थे तैयार किए थे है ना, कई बार किया लेकिन बाद में ये चूंकि ब्रिटिश वाले ताकतवर थे ऊपर दिमाग का है उन्होंने इसको इनको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद से फिर उनको फांसी लगा के मार दिया गया है ना 1924 में उनको फांसी लगा के मार दिया गया। बाद में एक टॉप हीरो बन गए, एक जन समुदाय हीरो बन गए, आज भी फेमस है ठीक है ना। ये था अब है स्वराज इन प्लांटेशन, इसका नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट टू का है ना, वो है स्वराज इन प्लांटेशन। इसमें क्या होगा प्लांटेशन जहाँ पर चाय कॉफी या दूसरे चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था वहां पर आपको पता है कि भारत के जो लेबर ग्रुप के लोग थे उनको जबरदस्ती फोर्स करके जबरदस्ती करके उनको लेबर ग्रुप में ले आए थे और जबरदस्ती उनको काम करवाते थे, उनको एक बंधक के रूप में रखते थे जिससे बंधुआ मजदूर का आया था इंडेंजर्ड लेबर, उनको जबरदस्ती काम करवाते थे, पैसे कम देते थे और काम खत्म होने के बाद भी उनको दूसरी जगह भेज देते थे ना कि उनको घर जाने का इजाजत था ठीक ना, वो घर जाने की इजाजत था ही नहीं ठीक है। तो प्लांटेशन में जो वर्कर्स काम करते थे उन्होंने भी मूवमेंट बारे में सुना तो उन्होंने मूवमेंट करने का निर्णय लिया, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी वहां पर 1859 के अनुसार 1859 के अनुसार 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक लागू हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक 1859 के अनुसार उस एक के अनुसार किसी भी प्लांटेशन वर्कर्स को बिना परमिशन के प्रोडक्शन छोड़ते नहीं जा रहा है और बिना परमिशन का और वो परमिशन मिलना बिल्कुल असंभव था, परमिशन मिलने जाना भी नहीं है, परमिशन मिलेगा भी नहीं, इस तरह का रूल था ठीक है ना। तो ये जानते हुए लोगों ने आंदोलन शुरू किया, उनको पता था कि गांधी जी हमारे साथ में ठीक ना और गांधी जी हमारे साथ खड़े थे, हम लोग यहाँ से प्रोडक्शन छोड़ जाएंगे तो गांधी जी के माध्यम से हमारी जमीन हम वापस मिल जाएंगी, जमीन ले लिए थे तो हमारी जमीन हमारे वापस मिल जाएगी और फिर हम आराम से अपना खेती किसानी करेंगे और समाज समस्याएं भी हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रश्न छोड़कर और भागना शुरू कर दिया ठीक ना, गांधी के नाम पर भागना शुरू कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि कर्फ्यू लगा हुआ है और कितनी सीट थे रेलवे स्टेशन भी मतलब जाने का सुविधा थे, ट्रांसपोर्ट था सब कुछ बंद था ठीक ना, बंद था बिल्कुल कोई सिस्टम था। तो जो ये लोग भागना शुरू किया लेकिन भाग सफल नहीं पाए, अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाए, रास्ते में पकड़े गए धन्यवाद।